नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बुल कॉइन्स का कुछ सेट का कलेक्शन दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कलेक्शन पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कॉइन है, हाफ आना का, आधा आना, 1954 का। बैक साइड में शोका बिल्ला का सिंबल होता है और यहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे स्टार है। और ये बॉम्बे मिंट का है, 1954 का स्टार। ये तो ऐसे ही डिज़ाइन में आता है स्टार, मिंट मार या नीचे 50 के नीचे होता है। उसके बाद दोस्तों, ये आपका वन आना का कॉइन है, 1954 का। जी कॉइन जो है फाइन कंडीशन के कॉइन थे। उसके बाद दोस्तों, ये टू आना का कॉइन है, 1954 का। अगर आपको ये तीन कॉइन का सेट चाहिए तो ये सेट आपको मिल जाएगा 1900 रुपये में। अच्छा सेट है कलेक्शन के लिए, आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं फ्यूचर गोल्ड कह सकते हैं इन कॉइन्स को। फ्यूचर में इनका प्राइस अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। ऐसे मेरा भी मन नहीं था ये कॉइन सेल्स करने का, बट कहीं ना कहीं हमको भी रिक्वायरमेंट रहता है सर ये रोटेशन करने का, तो इसलिए हम भी कॉइन रोटेशन कर रहे हैं। और नहीं तो मेरा मन था कि इसे एक साल तक अभी होल्ड करने का रखा हुआ था अभी मैंने ये, बट चलो कोई नहीं, अभी कलेक्टर्स की कलेक्शन में भी ये तीन कॉइन्स आ जाएंगे, सेट में आ जाएंगे। तो उम्मीद अच्छा है कलेक्शन के लिए, ये आपको सेट मिल जाएगा 1900 रुपये में। अच्छा सेट है कलेक्शन के, प्राइस भी रीजनेबल है, अभी मिल रहा है। आने वाले टाइम में आपको यही सेट दोस्तों हो सकता है 3000 का मिले, 4000 का मिले, कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिस हिसाब से कलेक्टर की जो कलेक्शन करने का जो हॉबी बढ़ रहा है, तो उससे प्राइस काफ़ी हाइक हो रहा है। उसके बाद उसे सेकेंड है, ये भी हॉफ आना का कॉइन है, 1954 का। फाइन कंडीशन के कॉइन है, अच्छी कंडीशन है, प्राइस बहुत रिजनेबल दे रहा हूँ आपको फिलहाल अभी। ये वन आना का कॉइन है और ये टू आना का कॉइन, 1954 का। ये सेट आपको मिल जाएगा 1900 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये वाला सेट है, ये भी हॉफ आना है, 1954 का। ये भी 1954 का कॉइन है, वन आना का, और ये टू आना का कॉइन है, 1954 का। ये आपको सेट मिल जाएगा 1720 रुपये में। जैसे कॉइन का कंडीशन है वैसे उसका हमने प्राइस रखा है। उसके बाद दोस्तों, ये वाला सेट है, हाफ आना का, 1954 का। ये उसके बाद ये वन आना का कॉइन का कॉइन है, 1954। उसके बाद ये टू फाइन कंडीशन के सिक्के, ये टू आना का कॉइन है, ये आपको सेट मिल जाएगा 1720 रुपये में, ये वाला सेट। उसके बाद दोस्तों, ये वाला है 1954 का वन आना, ये 1954 है, टू आना, और यह है हाफ आना का, 1954 का। ये मिल जाएगा सेट आपको 1500 रुपये में। उसके बाद ये वाला है 1950 का, ये हाफ आना, ये वन आना 1950 का, और ये टू आना 1950 का। ये सेट आपको मिल जाएगा 1500 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये वाला, ये 1954 का हॉफ होना, ये 1950 का वन आना, और ये टू आना 1954 का, ये मिल जाएगा 1500 रुपये में। ये मिलने नहीं थे, किसी कलेक्टर के पास पड़े हुए थे इतने, उसमें काफ़ी टाइम से कलेक्शन करके रखा हुआ था। इतने सेट अभी किसी के पास नहीं होंगे, कलेक्टर को छोड़ के डीलर के पास नहीं होंगे, तो उन्होंने मेरे को दे दिए कलेक्शन के लिए। उनको चाहिए होगा रिक्वायरमेंट पैसे का, तो मैं बहुत मुश्किल ढूंढ रहा था कि ये सेट मेरे को मिल जाए कहीं से, क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी हाई कर रहा है अभी, तो इसलिए मैंने स्टॉक करके कलेक्टर से ले लिए। क्योंकि
फ्यूचर में उसका प्राइस अच्छा बढ़ रहा है। किसी टाइम इस कॉइन्स को इतना मार्केट नहीं था, बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट कलेक्टर ने इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिए, मतलब कि स्टॉक करना शुरू कर दिया, तभी कॉइन्स का प्राइस बढ़ता है। उसके हॉफ ऑन 1954 का, ये वन आना 1950 का, और ये 1954 का टू वन है। ये अकेला है कॉइन दोस्तों, 1000 रुपये आज की कीमत में ये रेट रख रहा है सिर्फ ये, अगर मैं लेने जाऊँ तो मार्केट में। बट मैं आपको इस रेट में भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्राइस रीजनेबल आया हुआ है, तभी आपको दे पा रहा हूँ, इस वजह से दे पा रहा हूँ। ऐसे आप बोलोगे मिलने ये टू आना मिल जाएगा मार्केट में, नहीं मिल रहा है। केला ये प्राइस ये 1000-1200 रुपये रख रहा है, बट आपको सेट दे रहा हूँ, 3 कॉइन का सेट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे रीजनेबल मिले, तो मेरी भी कोशिश है आप भी रीजनेबल रखो अभी, कल तो आपको भी फ्यूचर में उसका प्रॉफिट हो, अच्छा लगेगा मेरे को भी। ये 1500 रुपये का सेट मिल जाएगा आपको। उसके दोस्तों टू आना 1954 का, ये वन आना 1954 का, ये हाफ आना 1954 का, ये सेट मिल जाएगा 1500 रुपये में। जिनसे लिए तो उससे मैंने रेट करके रख लिया था पहले ही, मतलब कि मेरे को ये सेट 2-3 महीने के बाद आया है, मतलब मैंने रेट पहले कर लिया था ये मेरे को चाहिए इस रेट में। अब रेट कम हो बड़े हो, कंडीशन जैसी हो मेरे पे थी। उसके दोस्तों ये बहुत प्यारी कंडीशन के सेट है, हाफ आना 1954 का, UNC है ये आपका, वन आना 1954 का UNC, और ये टू आना 1954 का है। ये भी UNC, बट इसका लस्टर अब इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लस्टर नहीं आ रहा, लस्टर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि टू आना में लस्टर ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आपको ये 3 कॉइन का सेट चाहिए, ये मिल जाएगा 3070 रुपये में। इससे बुरी कंडीशन के सेट बिक रहे हैं अभी मार्केट में, बट फिर हमारे पास अच्छी कंडीशन के सेट है हमारे पास, वो भी रीजनेबल प्राइस में। अगर आपको सेट चाहिए ये, तो आपको मिल जाएगा 3070 रुपये में, और आने वाले टाइम में 6 महीने साल के अंदर इसका 5000 तक रेट जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी हाफ आना का 1954 का, ये आपका वन आना का आगे 1954 का, और ये टू आना आ गया 1950 का। वन आना और टू आना UNC है, ये हाफ आना वन आना UNC है, टू आना UNC मैं नहीं कह सकता इसको, मैं इसको वेरीफाई नहीं कह लेता हूँ, क्योंकि इसमें लस्टर वाला वो फील नहीं आ रहा। इन दो कॉइन्स में लस्टर का फील आ रहा है, और एक एक कॉइन 800 800 1000 रुपये का हो गया है आज की डेट में, ये हालत हो गई कॉइन्स की। किसी टाइम दोस्तों ये 200-300 रुपये का कॉइन रखता था UNC में, मैंने बेचे भी है वीडियो में ये 250-300 रुपये में, बट आज की में 700-800-900 रुपये मांग रहे लोग इस कॉइन का। तो ये सेट चाहिए मिल जाएगा 3020 रुपये में, 3020 में। बट इसलिए मैंने भी कलेक्ट करके रख ली, चलो फ्यूचर ही फ्यूचर में चलो अच्छे प्राइस दे के जाएगा। ऑफ आना 1954 का, ये वन आना है 1954 का UNC ये भी, और ये टू आना है 1950 का। ये UNC नहीं है, ये आप कह लीजिए वेरीफाइन कह लीजिए, बट मैंने मुझे जिनसे दिए कलेक्टर ने UNC कहकर ही दिए, बट उसमें लस्टर वाला फील नहीं आ रहा इसमें, तो मैं आपको नहीं बोल के UNC कह सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं टू आना में लस्टर नहीं आता है इस डेट पर, बट कंडीशन बहुत प्यारी है तीनों वाइन की। ये आपको मिल जाएगा 2950 रुपये में। तो अच्छे सेट है, कलेक्शन करने वाले सेट है, तो बिल्कुल लीजिए एक सेट अपनी कलेक्शन में डालिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा फ्यूचर में इन कॉइन्स का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।